Apesa naam go baba. Boida misera ko johar. Chitleka menak peya. Bizgi menak peya pasej. शहीदों की धरती को राष्ट्रभक्तों को जन्म देने वाली वीर माताओं की धरती को मैं नमन करता हूं। दानीनाथ बासुकीनाथ और फौजदारी बाबा की भूमि को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, बीते कुछ दिनों से मुझे झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में जनसभा करने का अवसर मिला है। मैं जहां भी जा रहा हूं वहां की जनसभा पहले की रैली का रिकॉर्ड तोड़ देती है और यहां भी जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और अगर आपने मोबाइल फोन पर अपनी फ्लैशलाइट न की होती तो शायद मुझे समझ ही नहीं आता आखिर कहां तक लोग हैं। न मेरी आंखें वहां पहुंच पा रही हैं और न ही कैमरा की आंख भी पहुंच पाएगी। दूर दूर तक लोग, और आज तो मौसम जी जरा ज्यादा ठंडा है, सूरज भी नहीं निकला है, दोपहर को ही शाम जैसा माहौल हो गया है। उसके बावजूद भी इतनी ऊर्जा के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ हमें आशीर्वाद देने के लिए आपका आना, ये हम सबका सौभाग्य है। विशेष तौर पर बहनों और बेटियों का भारी उत्साह में यहां आकर के आशीर्वाद देना, ये हमारी और एक नई शक्ति बन गया है। ये जन समर्थन दिखा रहा है कि झारखंड में भाजपा को, कमल के फूल को आप सभी का, विशेषकर मेरे आदिवासी भाइयों बहनों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। भाइयों बहनों, ये आशीर्वाद, ये उत्साह, ये समर्थन आखिर किस का कारण क्या है? इसका कारण है आपकी, देश के गरीब की, हमारे जंगलों में रहने वाले, वन्य क्षेत्रों में रहने वाले साथियों के लिए हम जिस सेवा भाव से काम कर रहे हैं उसी के कारण ये प्रेम भाव अभिव्यक्त हो रहा है। हम आपके सेवक बनकर के काम करते हैं। मैं आपका सेवक बनकर के आपका काम करता हूं, आपके बीच आता हूं और अपने काम का हिसाब भी जनता जनार्दन के चरणों में रखता हूं। आदिवासी इलाकों में मैंने जीवन का एक लंबा अरसा उनके बीच में गुजारा है। एक कार्यकर्ता के रूप में आदिवासियों के बीच रह करके उनकी सेवा करने का मुझे लंबे समय तक अनुभव रहा है और मेरे जीवन को बनाने में
वो अनुभव भी बहुत काम आता है। और इसलिए मैं और मेरे साथी आपकी तकलीफों को भली भांति समझते हैं और उसे दूर करने के लिए दिन रात कोशिश करते हैं। आपकी सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए हमें ये समर्पण ही हमें बाकी जो लोग होते हैं उनसे बहुत अलग पहचान बनाते हैं। जबकि जिन लोगों पर आपने कभी भरोसा किया था, जिन्हें झारखंड के आदिवासियों ने इतना मान सम्मान दिया था, सर आंखों पे बिठाया था, लेकिन उन्होंने अपना तो जितना भला कर सकते थे कर लिया। बड़े मले महल बना दिए, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, लेकिन वे सत्ता के सिंहासन पर बैठते ही आपको भूल गए थे और तब जाकर के आपको उन्हें सजा देनी पड़ी। और अभी भी वो सुधरे नहीं है, वो आदत उनकी जाने वाली नहीं है। ऐसे लोगों को आपकी चिंता नहीं है, आपके बच्चों की, आपके परिवार की, आपके भविष्य की, आपकी मुसीबतों की, आपकी आवश्यकताओं की, इन लोगों को जरा सी भी चिंता नहीं है। वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपनी तिजोरी भरते रहे और इसी में लगे रहे। साथियों, जेएमएम और कांग्रेस के पास झारखंड के विकास का कोई न रोड मैप है, न इरादा है, न कभी भूतकाल में कुछ किया है। अगर वो जानते हैं तो उनको एक ही बात का पता है, एक ही बात का, बस जहां भी मौका मिले भाजपा का विरोध करो, मोदी को गाली दो, जहां भी जाओ बस दिन रात सुबह शाम मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, यही कर रहे हैं। और भाजपा का विरोध करते करते इन लोगों को तो देश का विरोध करने की आदत हो गई है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो भाजपा का विरोध कर रहे हैं कि भारत का कर रहे हैं। सीमा रेखाएं लांघ देते हैं। साथियों, आपने समाचारों में देखा होगा कि हमारे देश की संसद ने अभी नागरिकता कानून से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव किया और इस बदलाव के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो वहां लघुमती में थे वो अलग धर्म का पालन करते थे, अलग पंथ के हुए अनुयायी थे, इसलिए वहां उन पर जुल्म हुए, उनका जीना मुश्किल हो गया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत मुश्किल हो गई। ये तीन देशों से हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, उनको वहां से अपना गांव, घर, परिवार, दोस्त यार सब कुछ छोड़ करके भारत में भाग करके यहां शरणार्थी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके जीवन को सुधारने के लिए,
इन गरीबों को प्रति सेवा भाव से उनको सम्मान मिले, इसलिए भारत की दोनों सदनों ने भारी बहुमत से इन गरीबों के लिए निर्णय किया, नागरिकता का निर्णय किया। लेकिन ये कांग्रेस वाले और उसके साथी क्या कर रहे हैं? हो हल्ला मचा रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं और उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। और देश, कांग्रेस के लोग, उनके साथी, हमारे विरोध करने वाले लोग, अगर समझ सकते हो तो समझो, आप ये जो कुछ कर रहे हो, आप लोग जो हो रहा है उसको मुख्य समर्थन दे रहे हो, आज जो ये आगजनी फैलाने के प्रयास हो रहे हैं उसको आप आंखें बंद कर करके मुंह मोड़ लेते हो, देश उन्हें देख रहा है और देश का विश्वास पक्का हो जा रहा है, इन दृश्यों को देख करके पक्का हो रहा है कि मोदी ने, देश की पार्लियामेंट ने, भारत की सरकार ने नागरिकता का कानून बना करके देश को भी बचा लिया है। हमारा फैसला सही है ये आपके इन कारनामों से पता चलता है। और इसलिए जो कोशिशें की जा रही है, मैं आसाम के, नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों का सर झुका करके अभिनंदन करता हूं। उन्होंने हिंसा करने के इरादे वालों को अलग कर दिया, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात बता रहे हैं, देश का मान सम्मान बढ़े, ऐसा व्यवहार आसाम, नॉर्थ ईस्ट कर रहा है। अपना गीला शिकवा भी बता रहा है, यही तो लोकतंत्र है। आप हैरान हो जाएंगे, लंदन में भारत का दूतावास है, देश का दूतावास है, 130 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करता है। जब राम जन्मभूमि का निर्णय हुआ, पाकिस्तान वालों ने जाकर के लंदन में भारत के एम्बेसी के सामने प्रदर्शन किया, धारा 370 का निर्णय हुआ, पाकिस्तान के लोगों ने लंदन में हाई कमिश्नर के सामने जाकर के प्रदर्शन किया, हिंसक वारदातें भी की, आप हैरान हो जाएंगे जो काम लंदन में हमेशा पाकिस्तान करता रहता है, पाकिस्तान के पैसों से कुछ बिकाऊ लोग करते रहते हैं, पाकिस्तान से आकर के जो लंदन में बसे हैं वो लोग करते हैं, पहली बार जो काम पाकिस्तान हमेशा करता था ये कांग्रेस वालों ने किया। बताओ, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती? क्या दुनिया के देशों में भारत की ही एम्बेसी के सामने कभी कोई भारत का व्यक्ति प्रदर्शन करता है क्या? अगर गीला शिकवा है तो जाता है, अंदर कमरे में बैठता है, चाय पीता है, बात बताता है और एम्बेसी उस जो कागज होते हैं वो भारत सरकार को पहुंचा देती है। दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम हो रहा है और तब जाकर के लगता है कि भारत की संसद ने
नागरिकता के कानून में जो सुधार किया है वो हजारों प्रतिशत सच्चा निर्णय है, वो आपके कारनामों से अब सिद्ध होने लगा है। साथियों, देश का भला करने की, देश के लोगों का भला करने की इन कांग्रेस और उसके साथियों से अब कोई उम्मीद नहीं बची है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए ही सार्वजनिक जीवन में आए हैं, और इसलिए जो देश के हित में काम करता है, समाज के हित में काम करता है, उसे ये कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भाइयों और बहनों, कल्पना कीजिए, और मैं विशेष रूप से आज संथाल के लोगों के बीच में आया हूं, मैं आग्रह से कहना चाहता हूं, कल्पना कीजिए, अगर बाबा तिलका मांझी सिर्फ अपना ही हित सोचते तो क्या समाज के लिए इतना कुछ कर पाते? अगर सिद्धो कानू, चांद भैरव, फूलो जानो सिर्फ अपना ही भला करने के लिए सोचते, अपने परिवार का ही भला करने के लिए सोचते तो क्या अंग्रेज हिंदुस्तान से जाते क्या? ये तमाम सेनानी, ये तमाम शहीद परिवार अपने निजी हित से ऊपर उठकर समाज हित में, राष्ट्र के हित में खड़े हुए। भाजपा ऐसे ही संस्कारों को धारण करती है, उनको सम्मान देती है। साथियों, यही कारण है कि आदिवासी समाज से निकले ऐसे सेनानियों की गाथाओं को अमर बनाने के लिए भाजपा की सरकार लगातार नए नए योजनाएं बना रही है। देश भर में आदिवासी सेनानियों से जुड़े स्मारक और संग्रहालय, म्यूजियम बनाए जा रहे हैं, बड़े संस्थान बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारा प्रयास है कि जनजातीय भाषा, संस्कृति और परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। साथियों, संथाली भाषा और साहित्य देश के प्राचीनतम ज्ञान के संसाधनों में से एक है। ज्ञान का ऐसा अद्भुत खजाना इस धरती में छुपा हुआ है, आपकी जुबां पर वो प्रकट होता है, और जिस पर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। मुझे खुशी हुई इस बार जो राज्यसभा का सत्र हुआ, राज्यसभा के अंदर संथाली भाषा में भाषण हुआ और बाकी लोगों को उसका भाषांतर, ट्रांसलेशन उनको अलग से सुना दिया गया। संथाल की इस भाषा को भारत की राज्यसभा में सम्मानित किया गया, और इसके लिए मैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्रीमान वेंकैया नायडू जी को लाख लाख अभिनंदन देता हूं इस प्रकार की उनकी सोच के लिए। यही कारण है कि देश भर में अनेक नए ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आदिवासी संस्थान जल्द बने, इस पर भी काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, संस्कृति और परंपरा के स्थान ज्ञान और प्रेरणा के साथ साथ पर्यटन के, रोजगार के लिए भी अहम होते हैं। यहां तो भगवान शंकर से जुड़े अनेक मंदिर है, मलूटी मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थान है, तातलोई भी यहीं पर है। ऐसे में यहां आध्यात्म और आस्था से जुड़े टूरिज्म के लिए बहुत संभावनाएं हैं।
और इसलिए भाजपा इस क्षेत्र में टूरिज्म के अवसरों को बढ़ाने पर भी काम कर रही है। साथियों, पहले सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाते थे और रुपये मार लिए जाते थे, क्योंकि सरकार और जनता के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी और उनके इरादों में भर भर करके बेईमानी भरी पड़ी थी। ये खाई राजनीति की थी, अफसरशाही की थी, भ्रष्टाचार की थी, असंवेदनशीलता की थी। आपका ये सेवक इस खाई को पाटने में निरंतर जुटा है और इसमें अभूतपूर्व सफलता भी मिली है। ये जनभागीदारी का ही परिणाम है जिसके कारण सिर्फ 60 महीने में ही देश भर में 11 करोड़ से अधिक शौचालय बने। यहां झारखंड में भी करीब 36 लाख शौचालय तैयार हो गए। आप याद कीजिए, 5 साल पहले लोग चर्चा करते थे कि जिस झारखंड की आधी से ज्यादा आबादी खुले में शौच करने पर मजबूर है, जहां की माताएं, बहनें, बेटियां घोर पीड़ा में है, अंधेरे में उनके साथ अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है, वहां सफलता कैसे मिलेगी? लेकिन झारखंड के आदिवासी साथियों ने, बहनों ने इसको सरकारी अभियान नहीं रहने दिया, इस अभियान को अपना बनाकर आगे बढ़ाया। परिणाम आप देख ही रहे हैं। आज झारखंड के दूर सुदूर इलाकों में घने जंगलों के बीच बसे गरीब परिवारों को, आदिवासी भाई बहनों को, उनको भी आज शौचालय मिला है। सरकार ने सिर्फ प्रोत्साहन दिया, बाकी काम तो जनता जनार्दन ने कर दिया, रानी मिस्त्री बहनों ने कर दिया। यही तो स्वराज है, यही तो सुशासन का आधार है। भाई और बहनों, यहां उज्ज्वला योजना के तहत बहुत बड़ा काम हुआ है। आज झारखंड के 33 लाख परिवारों को गैस का मुफ्त कनेक्शन मिला है। इसमें भी आदिवासी और दलित बहनों को करीब 12 लाख गैस कनेक्शन मिले हैं, जो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, वो हमने करके दिखाया है। भाजपा की सरकार के काम करने का तरीका यही है। मैं आपको एक और उदाहरण देता साथियों, 2014 से पहले सिर्फ दिल्ली और रांची से ही शासन चलाने की व्यवस्था थी। गांव में अगर कुआं या नहर बनानी होती थी तो योजना कहीं और बनती थी। गरीब का घर बनाना है तो उसका नक्शा, उसमें क्या सामान लगना, ये भी दिल्ली में तय होता था। उसके आधार पर ही पंचायतों को पैसे दिए जाते थे। हमने इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बन रहे हैं, जो आवास तैयार हो रहे हैं, वो घर का मालिक और घर की मालकिन जो तय करेगी वैसा बनेगा, दिल्ली तय नहीं करता है। यही कारण है कि अब गरीबों के घर अच्छे भी बन रहे हैं और तेजी से भी बन रहे हैं। बीते 4 साल में झारखंड में भी 10 लाख गरीबों के घर बने हैं, और जिनको अभी घर मिला नहीं है उनको भी मैं कहता हूं, 8 लाख घर अभी बन रहे हैं और 2022 तक एक भी मेरा गरीब, आदिवासी गरीब, कोई भी पक्के मकान के बिना नहीं रहेगा, ये मैं आपको वादा करने आया। भाइयों बहनों, याद करिए, 2014 से पहले यहां जो मुख्यमंत्री थे वो 30,000-35,000 मकानों का बनाने का, घरों के निर्माण का बात करते थे और उसको ही बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि बताते थे। अब कहां 30,000-35,000 और कहां 10 लाख, हमने इतने ही समय में 10 लाख करके दे दिया। अब हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं
कि देश के हर गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो। साथियों, इसके साथ ही हमने अब हर घर जल पहुंचाने के लिए भी बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। यहां जो पानी से संबंधित, सिंचाई से संबंधित समस्या है, हम उसे भली भांति समझते हैं और उसे सुलझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत जो भी काम होगा उसमें ग्राम समितियों, जल समितियों का बहुत बड़ा व्यापक रोल होने वाला है। कहां और कैसे पानी जाना है, घरों में कैसे पानी पहुंचे, खेत में कैसे पानी पहुंचे, इसकी योजना से लेकर पानी के स्रोतों के संरक्षण और सप्लाई तक इन समितियों के साथ मिलकर के हम काम करने वाले हैं। यानी एक तरह से आपको ही तय करना है पानी का प्रबंधन कैसे करना है। पैसे सरकार देगी, प्लानिंग आप करेंगे। साथियों, ये क्षेत्र तो मयूराक्षी, अजय और मोतिहारा जैसी जीवनदायिनी धाराओं से समृद्ध है, लेकिन आपके खेतों और घरों में पानी पहुंचाने के लिए पहले की सरकारों ने कई गंभीरता से काम नहीं किया है। जेएमएम और कांग्रेस का तो ध्यान ही इस बात पर रहा कि सिंचाई विभाग के बजट में किस नेता, किस पार्टी का अधिक हिस्सा रहेगा। सोचिए, आजादी के अनेक दशकों बाद भी झारखंड में सिर्फ 12 से 15% गांवों और कस्बों तक पानी की पाइपलाइन पहुंची थी। इस स्थिति को बदलने का काम भाजपा ने किया। इसी का परिणाम है कि बीते 5 साल में झारखंड में पाइपलाइन की कनेक्टिविटी को 2 गुना से अधिक हो चुकी है। मैं आपको फिर यह भरोसा देता हूं, जल जीवन मिशन से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। यहां की सिंचाई व्यवस्था को हम उत्तम बनाएंगे। साथियों, झारखंड के लोगों के लिए, अपने आदिवासी भाइयों बहनों के जीवन को आसान बनाने के लिए भाजपा के प्रयास हमारी नियत और हमारे सेवा भाव के जीते जागते सबूत है। यही सेवा भाव आपके जल, आपके जंगल और आपके अधिकार को सुरक्षित करने की गारंटी देते हैं। भाजपा की सरकार आपको पूछे बगैर, आपकी अनुमति के बगैर कोई भी कदम नहीं उठा सकती। जनहित, जनभावना और आपकी इच्छा के साथ ही आपकी इच्छा ही ये हमारे लिए सर्वोपरि है। हम ऐसी सरकार चलाते हैं जिसका कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता है। हम ऐसी सरकार चलाते हैं जिसका एक ही हाई कमांड होता है और वो हाई कमांड ये मेरी जनता जनार्दन होती है, मेरे देशवासी होते हैं, मेरे संथाल के, मेरे आदिवासी भाई बहन, यही हमारे हाई कमांड होते हैं। भाइयों और बहनों, संवेदनशीलता, जन समस्याओं के प्रति सजगता और उनके निराकरण के लिए ईमानदार प्रयास ही भाजपा की सरकार की पहचान रहे। वरना कांग्रेस और जेएमएम की सरकारों ने क्या किया था, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। जेएमएम लंबे समय से कांग्रेस की सहयोगी रही, दिल्ली में भी, बिहार में भी और फिर झारखंड में भी वो सरकार का हिस्सा रही है। इतने वर्षों में इन्होंने झारखंड की पहचान के साथ पिछड़ा शब्द जोड़ दिया। उन्होंने आप पर खर्च होने वाले पैसों को लूटा और आपके पाई पाई के लिए मजबूर मोहताज होना पड़ा। भाइयों और बहनों, दुमका सहित झारखंड के 20 जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस और उसके साथी बरसों से शासन के बावजूद बुनियादी सुविधाएं तक नहीं पहुंचा पाए। ये भाजपा की सरकार है जिसने झारखंड के इन 20 जिलों को पिछड़े के बजाय आकांक्षी घोषित किया। आकांक्षी यानी जो विकास चाहता है, आकांक्षी यानी जिसका विकास करने का संकल्प हमने लिया है।
आपको जानकर हर्ष होगा कि देश के 100 से अधिक ऐसे जिलों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जो टॉप 3 जिले हैं वो 3 जिले झारखंड के हैं। भाइयों बहनों, झारखंड, ये फर्क होता है सोच में और संकल्प में, जो जेएमएम और कांग्रेस के पास कतई नहीं है। भाइयों और बहनों, जेएमएम कांग्रेस और वामपंथियों के लिए आपका विकास, आदिवासी क्षेत्रों का विकास कभी प्राथमिकता नहीं रहा है। यही कारण है कि आजादी के अनेक दशकों तक सड़क से अगर वंचित रहे हैं तो वो आदिवासी क्षेत्र रहे हैं, बिजली की सुविधा से अगर वंचित रहे हैं तो आदिवासी क्षेत्र के लोग रहे हैं, सिंचाई की सुविधा से वंचित रहे हैं तो आदिवासी इलाके के किसान रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जीने के लिए अगर कोई मजबूर रहा है तो आदिवासी क्षेत्र के परिवार रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से वंचित रहे तो आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे रहे हैं। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के भारत के लिए, 19 बरस के झारखंड के लिए ये स्थितियां हमें स्वीकार नहीं है। यही कारण है कि हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम भाजपा ने किया है, अब हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम भी भाजपा कर रही है, इस क्षेत्र को रेलवे से जोड़ने का और दुमका हवाई अड्डे को सुधारने का काम भी भाजपा सरकार कर रही है। झारखंड के हर किसान परिवार को हर वर्ष हजारों रुपए की सीधी मदद बैंक खाते में जमा करने का काम भी भाजपा ही कर रही है। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र के हजारों किसानों को इसका बहुत लाभ हुआ है, खेती में उन्हें मदद मिली है। साथियों, झारखंड के आदिवासी बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए ज्यादा दूर तक जाना न पड़े, इसके लिए हर ब्लॉक में एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने का संकल्प भी भाजपा की ही सरकार ने किया है। झारखंड में आईआईटी, एम्स जैसे उच्च शिक्षा के इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई के संस्थान खुले, ये काम भी भाजपा ने किया है। जबकि याद रखिएगा, कांग्रेस और जेएमएम की सरकारों ने तो यहां एम्स के लिए भी रोड़े अटकाने का काम किया था। साथियों, जिस झारखंड को जेएमएम और कांग्रेस ने पिछड़ेपन का प्रतीक बनाया, उसी झारखंड को हम बदलते भारत की नई पहचान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बीते 5 वर्षों में देश की सबसे बड़ी और करोड़ों लोगों को जीवन बदलने वाली योजनाओं की शुरुआत इसी झारखंड की धरती से हुई है। आपको याद होगा कि देश में स्वरोजगार की क्रांति लाने वाली मुद्रा योजना की शुरुआत यही दुमका से की गई थी। आज करीब 10 लाख करोड़ रुपए के लगभग 20 करोड़ ऋण बैंकों से छोटे उद्यमियों को मिल चुके हैं। झारखंड के लाखों युवाओं को, बहनों को इससे रोजगार मिला है, बैंकों से बिना गारंटी का ऋण मिला है, स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है। इसमें 55% से अधिक दलित, आदिवासी और पिछड़े उद्यमी है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत, इसकी योजना की शुरुआत भी ये झारखंड की धरती से की गई। देश के करोड़ों किसान परिवारों और छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन की ऐतिहासिक योजना भी यहीं से शुरुआत की गई, उसका गौरव भी झारखंड को मिलता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अनेक दूर सुदूर के गांवों तक सड़कें पहुंच रही है। पीएम किसान सम्मान निधि का भी लाभ सैकड़ों किसानों को पहुंचा है। भाइयों और बहनों, जेएमएम और कांग्रेस के शासन में विकास को लेकर जो लापरवाही बरती गई उसने यहां के जनजातीय समुदाय का बहुत नुकसान किया है। भाजपा झारखंड को, यहां के आदिवासी समुदाय को इसी से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। भाजपा के हिंसा के रास्ते पर निकले युवाओं को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे खुशी है कि भाजपा के विकास कार्यों के बाद बहुत से युवा हिंसा का रास्ता छोड़ करके मुख्य धारा में लौट रहे हैं, अपने परिवारों के बीच वापस आ रहे हैं। साथियों, झारखंड के विकास का यह रास्ता भी तभी मजबूत हो सकता है
जब आप एक बार फिर भाजपा की डबल इंजन की सरकार को मजबूत करेंगे। झारखंड में गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित, किसान, श्रमिक, माताएं, युवाएं के हित में चलने वाली योजनाएं तभी ठीक से आगे बढ़ पाएंगी जब दिल्ली और रांची में एक ही सोच और समझ वाली सरकार हो। झारखंड का तेज विकास तभी संभव हो पाएगा जब वादों वाली नहीं इरादों वाली भाजपा सरकार हो। आपका हर वोट सिर्फ यहां विधायक नहीं बनाएगा, सिर्फ मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा, बल्कि मेरे लिए भी झारखंड में आसानी से काम करने का रास्ता बनाएगा। मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा। मुझे विश्वास है कि आप एक बार फिर कमल के फूल को पूरी शक्ति के साथ खिलाएंगे, कमल के फूल का बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बन जाएंगे और हम सबका एक ही मंत्र रहा, वादा रहा, झारखंड पुकारा भाजपा दोबारा, झारखंड पुकारा भाजपा दोबारा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत।